देसी गाय बड़ी समझदार होती है। गाइस कैसे हैं आप लोग, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मसूदपुर डेयरी की, जो बसंत कुंज में आती है मसूदपुर डेयरी। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे और एंड तक देखिए और एंजॉय करिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये है नेल्सन मंडेला रोड, ये रोड जा रही है बसंत कुंज और ये रोड आ रही है वसंत विहार से। तो ये नेल्सन मंडेला रोड है, सामने गुरुद्वारा है और ये है मसूदपुर डेयरी की एंट्रेंस नेल्सन मंडेला मार्ग से। तो ये सब इनके रेजिडेंशियल एरियाज में जा रही हैं रोड। सो मसूदपुर डेयरी जो है वो दिल्ली के अर्बन विलेज में आता है और इसका जो एक गेट नेल्सन मंडेला से है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके कई गेट्स हैं, मसूदपुर मार्केट से भी है, जीडी गोइंग का भटनागर स्कूल की साइड से भी है और वसंत स्क्वायर मॉल की साइड से भी है। इसके चारों ओर बसंत कुंज है। ये पार्क है मसूदपुर डेयरी के जस्ट बिल्कुल बीच में है ये पार्क, और इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में फ्लैट्स बने हुए हैं, ये सब बिल्डर फ्लैट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिम्स मैनेजमेंट स्कूल है, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, जो ये बसंत कुंज में आता है और इसी की बैक साइड में मसूदपुर डेयरी है, जिसमें जो स्टूडेंट दिल्ली के बाहर से आके पढ़ते हैं वो मसूदपुर डेयरी में ही अपना रूम लेते हैं जो उनको सस्ता पड़ता है, क्योंकि बसंत कुंज में डीडीए फ्लैट्स हैं उसमें रेंट थोड़ा ज़्यादा है। सो गाइस मैं इस साइड से आया हूँ नेल्सन मंडेला रोड से और मैं इधर जाऊँगा और ये जो रोड है ये मसूदपुर मार्केट जाती है और मैं अंदर जाऊँगा मसूदपुर डेयरी में, देखता हूँ और क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पे रोडें बहुत चौड़ी हैं, बाहर से देख के लगता नहीं कि अंदर इतनी चौड़ी सड़कें होंगी, आराम से गाड़ियाँ पार्क हैं और इधर पूरी रोड खाली है, ट्रैफिक आने वाला जाने वाला बड़े आराम से जा सकता है। ये डीडीए फ्लैट्स हैं, मेरे ख्याल से ये B10 होगा शायद या B9 होगा, नॉट श्योर, बट ये हैं डीडीए फ्लैट्स। तो ये है गौशाला, इसके अंदर सारी भैंसें हैं, ये देख सकते हैं आप भैंसें बैठी हुई हैं, क्योंकि ये मसूदपुर डेयरी है, यहाँ पे भैंसों से मिल्क प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते हैं। बेसिकली ये गांव है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो होंगी। सो गाइस कल मैं आया था यहाँ पे तो वो दोपहर के 2-3 बज रहे थे, तब कोई गौशाला खुली भी नहीं थी और चारा खा रही थी। तो मैं दूसरे दिन आया हूँ तो मैंने वीडियो शूट करी है कि गाय का दूध कैसे निकलता है और कैसे इनका पालन होता है, क्या इनकी टाइमिंग्स हैं, क्या इनके रेट्स हैं, तो ये सब मैंने दूसरे दिन कवर किया है। पहले दिन तो टाइमिंग गलत थी जब मैं आया था, आज मैं थोड़ा शाम को आया हूँ, इस वक्त 5 बज रहे हैं, 5:30 का टाइम है और 6 बजे तक निकलता है ये। सो बच्चे को इसलिए निकाला है कि तो दूध आप रोज सुबह शाम निकालते हो? हाँ। और कभी ऐसा भी होता है कभी ना निकाले? नहीं,
दिवसों में ईजी निकालना जरूरी है। निकालना जरूरी होता है? अगर आप कहीं बाहर गए तो किसी और को भूल के जाते हैं। बाहर कहीं जाया ही नहीं जाता, जाया जाता है तो कभी ना कभी किसी से बोल के जाना पड़ता है या फिर कोई लड़का रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि दूध निकालना ही जरूरी नहीं है, इनको खिलाना पिलाना। हाँ मैं कल आया था तो 2-3 बजे के करीब तब सब बंद था, चारा खा रही थी, तभी मैं दूसरे दिन आया हूँ। एक बार में कितने लीटर दूध दे देती है? अलग अलग है, वो है जी, ये देती है 3-3.5 लीटर एक टाइम में। अच्छा अच्छा, कोई कम देती कोई ज्यादा देती, मतलब सुबह शाम मिला के 3.5 या नहीं, एक टाइम एक टाइम। तो एक गाय का कितने लीटर मिल्क बिकता है बाजार में? 50 रुपए। और भैंस का? कोई 60 बेच रहा है, कोई 50 बेच रहा है, वो तो जैसा। और भैंस का? भैंस का 60 है, 70 है जी। अच्छा अच्छा, तो किसका दूध अच्छा होता है, गाय का या भैंस का? दूध तो गाय का ही अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं गाय के बछड़े जिनको बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है, और बाहर जो हैं वो बड़ी गाय हैं, और जो अंदर हैं वो इनके बछड़े हैं, देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल बसंत कुंज की ये बैक साइड है, और ये सारा मसूरपुर डेयरी है, और ये है मसूरपुर डीडीए पार्क, काफी मेंटेन्ड है ये। ये है मसूरपुर की गलियां, और ये रोड जा रही है मेन रोड मसूरपुर मार्केट, और ये आ गई आपकी मसूरपुर मेन मार्केट। मैं यहाँ से आया हूँ मसूरपुर डेयरी से, ये मसूरपुर मार्केट है, ये रोड आ रही है महिपालपुर से, और ये रोड जा रही है आपकी छतरपुर। तो गाइस ये इनके रेजिडेंशियल एरियाज हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ कारें खड़ी हो सकती हैं, और 3-3, 4-4 फ्लोर की फ्लैट्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी खुली सड़क है यहाँ पे। तो गाइस ये थी मेरी मसूरपुर डेयरी की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।